नमस्कार दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अब ट्रेंडिंग टॉपिक है पिरामिड स्कीम। जब से कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल 2021 आया, तब से पिरामिड स्कीम के डेफिनेशन में कन्फ्यूजन बढ़ गया। कुछ लोग ये कहते हैं कि MLM पूरा सिस्टम ही पिरामिड स्कीम है, पूरा सिस्टम ही इलीगल है, जबकि डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन 2016 में ये क्लियरली मेंशन था कि पिरामिड स्कीम मनी सर्कुलेशन स्कीम है। अब ये रूल जब आ गया तब मनी सर्कुलेशन वाले ये बोल रहा है कि हम तो MLM है ही नहीं। भाई 90 दिन की बात है, उसके बाद सब क्लियर हो जाएंगे कि आप क्या हो, MLM हो या पिरामिड मनी सर्कुलेशन स्कीम। अब मैं पिरामिड स्कीम की सही डेफिनेशन देने जा रहा हूं, जिससे आप खुद बता सकेंगे कि किस प्लान को आप इलीगल पिरामिड स्कीम कहेंगे और किस प्लान को लीगल डायरेक्ट सेलिंग प्लान कहेंगे। नंबर वन, पिरामिड स्कीम में इनकम जनरेट होते हैं सिर्फ न्यू ज्वाइनिंग से, सिर्फ न्यू रिक्रूटमेंट से, यानी कि लोग लाना बंद, इनकम बंद और फिर कंपनी बंद। और डायरेक्ट सेलिंग प्लान में इनकम जनरेट होते हैं बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करने पर, नए लोग नहीं भी आते हैं तो भी प्रोडक्ट सेल करके बिजनेस जनरेट किया जा सकता है, इनकम जनरेट होते रहते हैं। नंबर टू, पिरामिड स्कीम में फेक प्रोमिसेस किए जाते हैं कि 6 महीना में पैसा डबल, 1 साल में पैसा डबल, क्योंकि यहाँ पे मनी सर्कुलेशन स्कीम ही चलते हैं। और फिर यह भी बताया जाते हैं कि अच्छी पोजीशन पाने के लिए जल्दी ज्वाइन करें, ज़्यादा इनकम के लिए जल्दी ज्वाइन करें, और कई सारे तरीके से फेक प्रोमिसेस किए जाते हैं जिसका कोई भी मैथमेटिक्स नहीं, सिर्फ कुछ लॉजिक से समझाए जाते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल दिखाए जाते हैं, कुछ ही दिनों में अमीर बनने का सपना दिखाए जाते हैं। पर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में राइट इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं, कोई भी मनी डबल स्कीम नहीं होते हैं यहां पर, कोई पोजीशन की बात नहीं होते हैं यहां पर, कभी भी कहीं से भी लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लोग आते हैं करियर बनाने के लिए, अपना लाइफ सेटल करने के लिए, रातों रात अमीर बनने के लिए नहीं आते हैं। नंबर थ्री, पिरामिड स्कीम में नॉन वर्किंग इनकम होते हैं, हाइलाइटिंग पॉइंट ही होते हैं नॉन वर्किंग इनकम, कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप कुछ नहीं भी करेंगे तो भी आपको इनकम मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट पे ही फोकस किए जाते हैं। पर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सिर्फ वर्किंग इनकम, शुरुआत में आपकी वर्किंग ज़्यादा, इनकम कम, धीरे धीरे आपकी वर्कलोड कम होते जाएंगे, आपकी इनकम ज़्यादा होते जाएंगे। कम से कम 2 साल आपको मेहनत करना है यहाँ पर अपना करियर बनाने के लिए। नंबर फोर, पिरामिड स्कीम में कोई प्रोमोशनल टूल्स नहीं होते हैं, कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं होते हैं, पर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज कंप्लीट प्रोमोशनल टूल्स प्रोवाइड करते हैं, एक क्लियर रिटर्न पॉलिसी होते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, सिस्टम पसंद नहीं आया, तो प्रोडक्ट रिटर्न करके एक सर्टेन पीरियड में पैसा वापस ले सकते हो। नंबर फाइव, हर पिरामिड स्कीम, हर मनी सर्कुलेशन स्कीम के अंत दुखदायक ही होते हैं, टेरिबल एंड, हजारों उदाहरण है आपके पास, पर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एंडलेस हैप्पी, सिर्फ सही लोग और सही कंपनी आपको चुनना है। दोस्तों, पिरामिड स्कीम के डेफिनेशन यही नहीं, ये लोग ये भी कहते हैं कि प्रोडक्ट बेस में क्या रखा है, कुछ भी नहीं, पैसा नहीं, पैसा तो इन्वेस्टमेंट पे रखा है, नॉन वर्किंग में है, पर ये नहीं बताते हैं कि कितना दुखदायक अंत होते हैं, हर मनी सर्कुलेशन स्कीम के अंत लायबिलिटीज ही होते हैं। तो दोस्तों, मेरा यही मानना है कि देश के कानून के खिलाफ काम करना क्राइम है, पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। अब कोई कुछ भी बोले, जांच पड़ताल आपको ही करना है, क्या सही है क्या गलत है, रूल आपके सामने है, एक बार जरूर पढ़िए। और फिर मार्च महीना तक टाइम है, जो भी इस दलदल में फंसा है, मतलब मनी सर्कुलेशन स्कीम में जो भी लोग इन्वॉल्व है, निकाल आइए या तो सजा के लिए रेडी हो जाइए। तो दोस्तों, पिरामिड स्कीम में आज बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।